हेलो दोस्तों, जब भी आपके लेनोवो G5080 सीरीज़ के लैपटॉप को ऑन करते हो तो वहाँ स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से इंटेल UNDI PXE 2.0 और उसके बाद इंटर नॉर्मल स्टार्ट विंडो पर क्लिक करने पर वहाँ कुछ इस तरीके से ब्लूडम का एरर शो अप करता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? हेलो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आपके भी लैपटॉप में कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम शो अप हो रही होगी तो दोस्तों, इसके लिए जब भी आपका लैपटॉप रिस्टार्ट होता है तो आपको फंक्शन की F2 बटन प्रेस करें, जिससे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको आपके सिस्टम की ऑल डिटेल्स जैसे प्रोडक्ट नेम लेनोवो B460, बायस वर्जन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हार्ड डिस्क जो कि ST1TB की हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल है, जैसा कि यहाँ, और 3GB रैम इंस्टॉल है। देन दोस्तों, इसके बाद आपको बूट सेक्शन जो कि BOOT बूट सेक्शन में यहाँ पर आप देखोगे जो कि हमारा हार्ड डिस्क वाला पार्टीशन लास्ट में है, इसे हमें फर्स्ट नंबर पर लाना है। इसके लिए आपको F5 डाउन और F6 अप करने के लिए फंक्शन की F6 प्रेस करें, जिससे जो आप देख पा रहे हैं हार्ड डिस्क वाला पार्टीशन था वह फर्स्ट पर आ चुका है। देन दोस्तों, इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर आप देखोगे साटा कंट्रोल वर्किंग मोड, दोस्तों हमें दो एरर शो अप हो रहे थे, एक तो इंटेल UNDI का जो कि हमने बूट से फर्स्ट पर हार्ड डिस्क को सेट कर दिया है, देन अगेन जो ब्लूडम एरर शो अप हो रही थी साटा कंट्रोल वर्किंग मोड, जहां पर हमें इंटर करना है, जहां पर आप देखोगे कंपेटेबल पर है, इसे हमें AHCI पर इंटर कर दे। देन इस सेटिंग को सेव करने के लिए फंक्शन की F10 बटन प्रेस करें। आप देखेंगे आपके सामने सेटअप कंफर्मेशन सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंज एंड एग्जिट नाउ पर यस पर इंटर कर दे, आपकी सेटिंग प्रॉपरली सेव हो जाएगी और आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आपका लैपटॉप प्रॉपरली विंडोज में इंटर हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसने इंटेल UNDI का भी एरर शो अप नहीं किया, ना ही यहाँ ब्लूडम एरर शो अप कर रहा था जो कि लोगों पर स्टक हो जा रहा था। दोस्तों, इसी तरह आसान एंड यूनिक ट्रिक सीखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।